डॉक्टर एस जयशंकर एक बार फिर से विदेश मंत्री के तौर पर देश को अपनी सेवाएं देने वाले हैं। जयशंकर ने विदेश मंत्रालय पहुंचकर देश के नए विदेश मंत्री के तौर पर अपना पद संभाला। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके और पाकिस्तान चीन पर ऐसा कुछ कहा जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। विदेश मंत्री से पीओके को लेकर सवाल जब किया गया जिस पर उन्होंने कहा कि कृपया उनके मुंह में शब्द न डालें। जयशंकर ने कहा कि भारत की भूमिका बढ़ती जा रही है, अब दुनिया भारत को एक दोस्त के तौर पर देख रही है जो संकट की घड़ी में उनके साथ रहता है। उन्होंने नवाज शरीफ के बधाई संदेश को लेकर बात करते हुए कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक्सपो रिप्लाई दे दिया गया है। नहीं देखिये, मैंने फर्स्ट टर्म में जो कहा वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, तो मेरे मुंह में आप शब्द न डाले। पर मैं इतना ही कहूंगा कि जो नवाज शरीफ साहब का जो कल जो ट्वीट एक्स में जो उनकी जो पोस्ट जो हुई थी, हमारे यहाँ से प्रधानमंत्री ने भी अपनी ओर से उनको उनका स्वागत किया और अपने भावनाओं को प्रकट किया, तो वह कृपया आप उसको देख लें। सर, अगले पांच साल में चीन हो या पाकिस्तान हो, अगले पांच साल में दोनों देशों के साथ भारत के संबंध को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी देश में और खासकर डेमोक्रेसीज में एक सरकार को लगातार तीन बार इलेक्ट होना यह बहुत बड़ी बात है। तो दुनिया को जरूर लगेगा कि आज भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत है, भारत की पब्लिक जो है अपने प्रधानमंत्री पे बहुत विश्वास करती है, और अभी तक पिछले 10 साल में जो उन्होंने हमारा रिकॉर्ड देखा है तो वो भी उनको भी पता होगा कि हम सचमुच हमारी कोशिश है कि दुनिया के साथ हम अपने हित तो जरूर आगे रखेंगे, पर जो हमारा योगदान होगा वो उसमें भी हम कहीं कम नहीं पड़ेंगे। और जो आपने पाकिस्तान और चाइना के बारे में कहा, वो अलग देश हैं, रिश्ते भी कुछ अलग हैं, वहाँ जो समस्या जो है वो भी कुछ अलग है। तो चीन के बारे में हम तो हमारी फोकस तो होगी कि सीमा में जो स्थिति जो है उसमें अभी भी कुछ इश्यूज बाकी बचे हुए हैं, तो उसको कैसे निपटाया जाए। और पाकिस्तान के साथ ये भी आप जानते हैं कि विषय जो है सालों से वो जो आतंकवाद का विषय जो है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हाउ डू वी फाइंड a solution to it so that that cannot be the policy of a good neighbor.